हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जानवी जोशी। आज हम देखेंगे सीताफल का श्रीखंड कैसे बनाते हैं। दोस्तों, श्रीखंड सॉफ्ट और क्रीमी बनने के लिए मैंने छोटे छोटे टिप्स दी हैं और सीताफल कैसे श्रीखंड में डाल के श्रीखंड अच्छा रह सकता है वो भी बताया है। चलिए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले चक्का बना के लेंगे। चक्का बनाने के लिए दही लगेगा। यहाँ पे मैंने भैंस का दूध लिया था और उसे ऐसे दही जमा के लिया है। देखिए, तो जब भी दही लगाएंगे तभी मलाई के साथ लगा दीजिए, इससे श्रीखंड क्रीमी बनेगा। अभी श्रीखंड के लिए चक्का बना के लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसे राजापुरी पंचा कहते हैं। दोस्तों, ये जो कपड़ा है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसके वजह से जो भी दही में एक्सेस पानी है वो पूरा निकल जाता है। तो दोस्तों, ये पंचे में अगर दही बांध के रखते हैं तो पानी जल्दी से निकल जाता है। फिर ऐसी एक रस्सी लेके कस के बांधेंगे, फिर दही 5 से 6 घंटा ऐसे हैंग करके रख देंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए। दोस्तों, चक्का बनाने के लिए और एक तरीका है। देखिए, ऐसे मैंने छलनी ली है और उसके ऊपर ये कपड़ा रख दिया है। फिर दही के ऊपर कुछ वजन रख देंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए। मैंने एक बर्तन लिया और उसमें पानी भर के लिया है और वही दही के ऊपर रख दिया था। अभी 6 घंटे के बाद देखिए चक्का कैसे बना है, देखते हैं। दही से पूरा पानी निकल गया है और ऐसे चक्का बन गया है। देखिए, यहाँ पे लगभग 1.5 गिलास चक्का बन गया है। अभी 1 गिलास मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी डालूंगी। यहाँ पे आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी डालेंगे ना तो चीनी जल्दी से चक्के में पिघल जाएगी। चीनी को थोड़ा चक्के में मिक्स करके लेते हैं ऐसे। अभी चीनी चक्के में पिघलने के लिए ढक्कन रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक सीताफल का पल्प बना के लेते हैं। पैन गरम करके उसमें 1 कटोरी सीताफल का पल्प डालेंगे, फिर आधी कटोरी शक्कर डालेंगे। शक्कर पूरी पिघलने तक चलाते रहेंगे। शक्कर पिघलने के बाद गैस बंद कर देंगे, पल्प रेडी हो जाएगा। दोस्तों, सीताफल ऐसे चीनी में गरम करके उसका पल्प बना के लेते हैं ना तो फिर श्रीखंड खराब नहीं होता है, ज्यादा दिन अच्छा रहेगा। अभी देखिए, चक्के में चीनी पिघल गई है। फिर श्रीखंड हल्का बनने के लिए चक्का ऐसे थोड़ी देर फेटेंगे। फिर दोस्तों, एक डीप बर्तन लेके जो चक्का बनाने के लिए कपड़ा यूज किया था वही कपड़ा लेके ऐसे कस के बांध के लिया है। अभी जो चक्का बना के लिया था वो कपड़े के ऊपर ऐसे डालेंगे और ऐसे चक्का हाथ से कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे। कपड़े को एक साइड से ऐसे हाथ से कस के पकड़ के फिर श्रीखंड को प्रेस करना है। अगर कपड़ा लूज हो जाता है तो ऐसे दूसरे साइड से फिर से टाइट करके फिर प्रेस कीजिए। श्रीखंड स्मूथ बनाने के लिए आप पूरण मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, ज्यादातर टाइम मैं ऐसे ये राजापुरी पंचा यूज करके ही श्रीखंड बनाती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा श्रीखंड बना के लिया है। ऐसे स्मूथ और क्रीमी बेसिक श्रीखंड रेडी हो गया है। इसमें आप जायफल, इलायची, केसर डाल सकते हैं। यहाँ पे सीताफल का श्रीखंड बना रहे इसलिए सीताफल का पल्प डालेंगे। जो पल्प बना के लिया था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अभी श्रीखंड में डाल के लेते हैं। पल्प को श्रीखंड में मिक्स करके लेते हैं। अभी थोड़ी इलायची पाउडर डालेंगे। फिर थोड़ा सा केसर डालेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़े पिस्ता भी डाले हैं। श्रीखंड बनने के बाद फ्रीज में रख दीजिए। तो दोस्तों, देखिए श्रीखंड रेडी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज शेयर कीजिए और रेसिपीज को लाइक कीजिए। थैंक यू।